उस टाइम पे सोचा कोई नहीं एशियन गेम्स करूंगी, हाँ। अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, ओलंपिक क्वालिफाई भी है, हाँ। कम से कम समय में जो है ज्यादा मेहनत करके इतने कैपेबल हो रहे हैं खिलाड़ी, इतने लायक हो रहे हैं खिलाड़ी कि एक इंटरनेशनल जो है पीक पर बैठे उन खिलाड़ियों की जो है टक्कर देने लग रहे हैं, वो टक्कर देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपका नाम बताइए पूरा। मेरा अंतिम पगार। आपका यही एक ही नाम है या मतलब एक उसमें चल रहा है खिलाड़ी उसमें चल रहे हैं? नहीं, यही नाम है। यही नाम है, हाँ। अच्छा, आपने जो है उन खिलाड़ियों को टक्कर दिया तो आपके साथ जो है चीटिंग की भी बात सुनने को मिली थी, क्या कुछ वो पूरा मामला था, आप अपने शब्दों में बताइएगा। मेरी कॉमनवेल्थ में पिछले साल ट्रायल थी उनके साथ में, तो मेरी तीन तीन तब आउट हुई थी। अच्छा। तो उस टाइम पे वह स्कोर तो 2-3 का था, लेकिन एक पॉइंट उनते दे दिया था पे वह कुछ कर गए, तो फिर उस टाइम पे सोचा कोई नहीं एशियन गेम्स करूंगी, हाँ। अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, ओलंपिक क्वालिफाई भी है, हाँ। अगले साल अच्छा करूंगी, फिर इस बार इन नसीदा भेजन के कम है, तो फिर तो सीधे 4 साल पे बाद जाओगी ना, कोई कंपटीशन बचेगा। अच्छा। तो हमने भी इतने साल तक मेहनत कर रखी, मम्मी कहते माम ने सीधा भेजो या फिर उनकी ट्रायल कौन करा, बस मम्मी इतना कहा ट्रायल करवा दो जो जीतेगा वो चल जाओ। भाई अपने हरियाणा की बहन फिलहाल देख लो भाई, अखाड़ा में जो है प्रैक्टिस करते करते पसीने पसीने हो रही है, लेकिन इनका जो है कहना यो है कि हमें जो है न्याय मिलना चाहिए और हमारे अधिकारों का आनंद नहीं होना चाहिए, अधिकार ये बोल रहा है कि आज जो है ट्रायल हो। अपने हरियाणा की इस लड़की ने जो है विनेश फोगाट को टक्कर दी है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक पॉइंट आगे वो हो सकती है, एक पॉइंट आगे पीछे ये हो सकती है, लेकिन टक्कर देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई ट्रायल जरूर हो, अगर अभी एशियन गेम्स में जो है ट्रायल नहीं हुई तो बात सीधी 4 साल पे जाएगी, अगर 4 साल पे बहन बात जाओ है तो क्या आप उसके लिए कितना सेटिस्फाई हो, कितना संतुष्ट हो, कितना क्या कुछ करोगे? अगर आपको जो है ये मौका नहीं मिलेगा तो आप अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए कहाँ तक जाओगे, केस लड़ोगे, क्या कुछ करने के लिए आप जो है तैयार हो? इभी तो फिलहाल तो बोल रहा है कि भाई 9-10 तारीख ने एशियन गेम्स की ट्रायल होगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल होगी, जो भी उनमें फर्स्ट आएगा वो एशियन गेम्स लड़ेगा। अच्छा। और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो अच्छा बहन, आपने क्या लागा है, आपने देखो इतनी मेहनत कर रखी है, क्या आप टक्कर दे करके अपना जो है हरियाणा का नाम रोशन कर पाओगी, मतलब कर दोगी, मतलब भीतर से जुनून हौसला बोलने लग रहा है कि हाँ मैं कर दूंगी? हाँ, मैंने मेहनत कर रखी है, जब उन्हें मेहनत कर रखी तो वह करेंगे, अगर मैंने मेहनत कर रखी होगी तो मैं करूंगी, बस इतना कहूं भाई ट्रायल ले लो बस। बिल्कुल, हाँ। और जो अपने अखाड़े का यहाँ लड़का है, क्या नाम बता रहे थे उसका? विशाल, विशाल काली रावण, वो फिलहाल है यहाँ पे? नहीं, वो यहाँ पे बाहर है, हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आप अपनी प्रैक्टिस जो है लगातार जारी रखिए। भाई जो है आपने पूरा मामला सुन लिया है, देख लिया है, परख लिया है, इनके जो है खिलाड़ियों के अधिकारों पे बात आ गई, भाई अधिकार ये बोल रहा है कि ट्रायल होनी चाहिए। हाँ बोल, हाँ ट्रायल होनी चाहिए, देखो बहुत बड़ी बात है, अगर अभी ट्रायल नहीं हुई तो बात जाएगी सीधी 4 साल पर, और सीधी 4 साल पर अगर बात गई तो 4 साल में एक खिलाड़ी के साथ न जाने क्या क्या जो है घटनाएं होती है, क्योंकि खिलाड़ी जगत में सुबह और शाम जो है लगातार प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी, और उसके अंदर इंजरी वगैरह की न जाने क्या क्या जो है घटना घट सकती है। 4 साल तक का जो है एक खर्चा भी, क्योंकि बिना के है आप इन तो हाँ को नहीं पाई जमा करोड़पति कराता है, सारे जो है एक मिडिल क्लास फैमिली तो बिलोंग करा है, और उनने के चाहिए है कि भाई कम से कम समय में ज्यादा मेहनत करके इतने कैपेबल हो रहे हैं खिलाड़ी, इतने लायक हो रहे हैं खिलाड़ी कि एक इंटरनेशनल जो है पीक पर बैठे उन खिलाड़ियों की जो है टक्कर देने लग रहे हैं, वो टक्कर देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कम समय में इतनी मेहनत करके और साथ में जो है अखाड़े का इतना बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर जो है ट्रेनर ही ना हो, अगर एक ट्रेनर, देखो हम भी हैं, हमारे पीछे भी एक ट्रेनर है, आज हम यहाँ खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं तो उस ट्रेनर की बदौलत कर रहे हैं, अगर आज ये खिलाड़ी जो है यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर बड़े लेवल पे जाकर के परफॉर्म करेंगे तो एक ट्रेनर का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है, और जब ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है कि भाई जो है इनके अधिकारों का आनंद होता हुआ जहां पर नजर आता है तो एक ट्रेनर का भी हौसला डाउन होता है और एक खिलाड़ी का भी होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि भाई किसी का भी हौसला डाउन हो, तो भाई जो है ये खिलाड़ी भी और जो हमारे हरियाणा के पहलवान है, हरियाणा के नहीं जो जितने भी पहलवान है सारे जो है अपने हकों की लड़ाई लड़न लग रहे हैं कि भाई जो है एशियन गेम है उसमें जो है ट्रायल होने के बाद ही जो है खिलाड़ी आगे जाए खेलों में, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक अगर किसी को गद्दी मिल गई, अगर मैंने ये गद्दी मिल गई नहीं तो न्यू को नहीं कि भाई इसमें कोई और ना हो है ना, जो लायक है इस गद्दी के लायक है, जो उस पीक के जो उस मुकाम के लायक है उसको मुकाम मिलना चाहिए, और ये खिलाड़ी इनकी आंखों में नजर आने लग रहा है, ये पसीना जो है बहता हुआ जो है इनका चीख चीख के कह रहा है कि हम जो है लड़ेंगे अपने अधिकारों के प्रति जो है लड़ेंगे। भाई वीडियो ने शेयर कर दियो,
मिलते किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन रोहित दलाल के साथ मैं आपका अजय लोहारीवाड़ा।